मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपके साथ बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने पैन में घी डाल ली है, 1 कप मैंने घी लिया है। और अब मैं इसमें दालचीनी की 2 स्टिक्स डालूंगी। और इसके साथ ही हम प्याज ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को पका लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक प्याज का कलर चेंज होता है तब तक हम सब्ज़ मिर्चें 15 से 20 लिए हैं मैंने, और 1/2 कप दही लिए है, और 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। मैं अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करूंगी। और साथ ही इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। 1/2 kg मैंने चिकन लिया है। अब चिकन का कलर चेंज होने तक चिकन को फ्राई कर देंगे। हाफ के जी मैंने चिकन लिया है और 700 ग्राम जो है चावल हैं। एक साइड पे चिकन फ्राई हो रहा है तब तक मैं चावलों का जो पानी है वो रख देती हूँ। यहाँ 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। अब मैंने यहाँ 1 बड़ी इलायची ली है, 2 बादियान के फूल और 1 दालचीनी की स्टिक ली है। वो हम पानी में ऐड कर देंगे, इससे बिरयानी की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। और अब इसे कवर कर देंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। मसालों में मैंने नमक लिया है 2 टीस्पून, सूख मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून। और साथ जो दही वाली पेस्ट बनाई थी जिसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें दही और टमाटर डाले थे वो ऐड करूंगी। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके कवर कर देंगे। जी तो एक साइड पे यहाँ बिरयानी का सालन तैयार हो रहा है और एक साइड पे मैंने पानी रखा हुआ है बिरयानी के लिए। तो पानी बॉयल होगा तो इसमें चावल डाल देंगे। अभी जब चावल सॉफ्ट हो जाएंगे, 1 कन्नी जब रह जाएंगे तो हम इनकी पीछनी छोड़ लेंगे। अब हम सालन में सूखी मेथी डालेंगे 1 टेबलस्पून और 5 से 6 दाने इमली के डालेंगे। इन्हें मिक्स करके दोबारा से मैं सालन को कवर कर दूंगी। अब ये मैंने 2 टेबलस्पून दूध के लिए हैं और 1/2 टीस्पून इसमें जर्दा रंग ऐड करेंगे और इस तरह अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम लोग खुशबू के लिए 1/4 स्पून रूह की ओड़ा के ऐड करेंगे। और दूध में इस वजह से ये दोनों चीज़ें मिक्स की हैं कि जो बिरयानी का कलर है बहुत ज़्यादा निखर के आता है।
ये अब चावल सॉफ्ट हो चुके हैं और एक कन्नी रह गई है चावलों की, तो अब हम इसकी पिछनी छोड़ देंगे। तो वहाँ बिरयानी मेरी तैयार हो रही है और यहाँ मेरा भाई आ गया था, तो मैं जल्दी 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 से बाहर आई हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। जी तो यहाँ मुझे बहुत जल्दी से बाहर आना पड़ा है और अब मैं उसी तरह जल्दी जल्दी से अंदर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो चावल थे वो मैंने पिछनी छोड़ रही थी उनकी। तो जो चावल हैं उनका पानी मैंने छोड़ चुकी हूँ और ये जो चीज़ें मैंने अंदर डाली थी, बादियान का फूल, दालचीनी, इलायची, ये जब मैंने चावलों का पानी निकाला उस टाइम मैंने चावलों से निकाल लिए थे और इन्हें अब मैं वेस्ट कर दूँगी। जी तकरीबन हाफ एन आवर गुजर चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सालन भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। अब ये जो हाफ चावल हैं इनमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, साबुत ज़ीरा मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है और इस तरह से ज़ीरे को आपने स्प्रिंकल कर देना है। और अब मैं इसमें सालन ऐड करूंगी। ये जो चावल बच गए थे अब मैं एक तह चावलों की लगाऊंगी। ज़रदा रंग अब हम इसमें डालेंगे। और अब मैं इसमें दोबारा से ये जो सालन है वो ऐड कर दूंगी जितना बाकी बच गया है। जी तो अब मैं इसे दम पे रख दूंगी। जी तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। इतना प्यारा सा खिला खिला सा कलर है। जी तो हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।